नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं और हम इनसे देश की राजनीति के बारे में बातचीत करेंगे, जैसा कि हम अक्सर करते हैं। अभय सर नमस्कार। देश की राजनीति में बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं अभी के दौर में, चुनाव चल रहा है इसलिए राजनीतिक उठापटक भी चल रही है। इस बीच में कर्नाटक से जो एक खबर आई जो कि काफी हैरतअंगेज और एक तरीके से बहुत ही पीड़ादायक खबर है कि एक राजनेता का पुत्र या राजनीतिक परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति किस तरीके से औरतों के साथ लगातार दुर्व्यवहार करता रहा और उसके काफी सारे वीडियो पब्लिक डोमेन में अब मौजूद हैं। इस तरह की घटना को हम कैसे देखें, खासतौर पे इस लिहाज से भी कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने शायद ये पत्र लिखा भी था अपने पार्टी नेतृत्व को, फिर भी गठबंधन हुआ, उनको टिकट मिला, प्रधानमंत्री उनका प्रचार करने गए और फिर ये खबर आ रही है, देश से भी भाग भी चुका है प्रज्वल रेवन्ना, कैसे देखिए इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए कमल जी, आप कुछ थोड़े बहुत संकोच कर रहे हैं। इस परिवार का पुत्र है ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के परिवार का पुत्र है, उनका पोता है। एचडी देवगौड़ा के बेटे हैं रेवन्ना और उनका बेटा है प्रज्वल रेवन्ना। रेवन्ना एमएलए हैं और प्रज्वल रेवन्ना हासन से, जो कि एचडी देवगौड़ा की पारिवारिक सीट है, वहां से सांसद है। पिछले 2019 के चुनाव में जब कांग्रेस का और साथ साथ में जनता दल सेकुलर का, भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में सूपड़ा साफ कर दिया था, तो जनता दल सेकुलर एक सीट जीता था हासन से प्रज्वल रेवन्ना के तौर पर। प्रज्वल रेवन्ना जब संसद में आए थे तो वहां पे सांसदों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया था, जैसे कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा तीर मारा हो। अब पता चला है कि वो 2000 वीडियो इस तरह के हैं जिसमें वो औरतों का यौन शोषण करते हुए दिखाए गए हैं और जो वीडियो खुद उनके द्वारा बनाए गए हैं, उनके खिलाफ कर्नाटक पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। और जैसे ही उनकी उनके निर्वाचन क्षेत्र में वोट पड़े वैसे ही वो अगले विमान से जर्मनी रवाना हो गए, अब वो हिंदुस्तान में है भी नहीं। ये पूरी की पूरी स्थिति है। अब प्रश्न ये है कि मतलब वो वीडियो कितने सही है कितने गलत हैं, हमारे और आपके पास ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन एक तरीके से हम उनकी सत्यता की जांच कर सकते हैं कि खुद देवगौड़ा परिवार का उस बारे में क्या कहना है। एचडी कुमार स्वामी, जो कि एचडी देवगौड़ा के बेटे हैं और कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने स्वयं कहा है कि वे उज्ज्वल रेवन्ना को पार्टी से निलंबित करने के लिए जा रहे हैं। उज्ज्वल रेवन्ना के पिता एचडी रेवन्ना ने, प्रज्वल रेवन्ना नाम है शायद उनका जी, शख्सियत का नाम प्रज्वल रेवन्ना है। हाँ, प्रज्वल रेवन्ना है, उनके पिता का नाम तो एचडी रेवन्ना है ना। तो उनके पिता एचडी रेवन्ना ने कहा है, जो कुमार स्वामी के भाई हैं, उन्होंने ये कहा है कि उनका बेटा भागा नहीं है, वो कानून के सामने हाजिर होने के लिए तैयार है। बहरहाल ये स्थिति है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है। ये मामला उस समय और भी संगीन हो जाता है जबकि 2019 के चुनाव में प्रज्वल रेवन्ना के मुकाबले हारे हुए भाजपा उम्मीदवार ने, जिनका भी उनका भी नाम देवेगौड़ा है, आगे कुछ और लगा हुआ है लेकिन पीछे नाम उनका देवेगौड़ा है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को शिकायत की थी कि ये बंदा जिसको आपने टिकट दिया है, क्योंकि इस वक्त जनता दल सेकुलर और भाजपा के बीच में गठजोड़ है, जिसको ये सीट अलॉट की गई है, इसको सीट का आवंटन किया गया है गठजोड़ की तरफ से, इसके खिलाफ इतने ज्यादा वीडियो और पहले से ही वायरल हो रहे हैं, महिलाओं के सेक्स अब्यूज के वीडियो वायरल हो रहे हैं। इस पर जब भाजपा आला कमान ने और भाजपा के स्थानीय नेतृत्व ने एचडी देवगौड़ा से बात की कि भाई आपके पोते के खिलाफ ये शिकायतें हैं, तो एचडी देवगौड़ा ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, अगर आप ज्यादा कुछ गड़बड़ करेंगे, ये सीट तो बिल्कुल कंफर्म है, ये सीट तो हमें जीतनी पक्की है। तो भाजपा को लगा कि ये सीट जीतनी पक्की है, इसमें क्या विघ्न डालना, और भाजपा इसके ऊपर चुप रह गई। जैसे ही सीट पे वोट पड़े उज्ज्वल रेवन्ना विदेश भाग गए, यूरोप भाग गए और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। वो सारे के सारे वीडियो वायरल हो चुके हैं और वो अपने आप में उज्ज्वल रेवन्ना के खिलाफ एक दस्तावेजी सबूत है। अब सवाल ये है कि ये घटना हुई कैसे। प्रश्न ये है कि वो विदेश कैसे भागे और जब उज्ज्वल रेवन्ना के खिलाफ चुनाव लड़ रहे 2019 के
उम्मीदवार जो इस वक्त हासन सीट के बगल वाली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट से, जब उन्हें ये बात पता थी तो ये मानना गलत होगा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को ये बात पता नहीं होगी। लेकिन कांग्रेस के जो रणनीतिकारों ने एक पूरी योजना बनाई और योजना के तहत उन्होंने पहले कर्नाटक की आधी सीटों के ऊपर जो मतदान होने वाला था उसको हो जाने दिया। इन आधी सीटों में ओल्ड मैसूर का इलाका आता है जहां पर वो किले का वोटों की बहुतायत है और वो इलाका जनता दल सेकुलर का गढ़ माना जाता रहता है। अगर वो उन 14 सीटों के पहले ही उज्जवल रेवन्ना के खिलाफ FIR दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लेते या उनके ऊपर आरोप उन्हें अदालत में ले जाते तो ये माना जाता कि जो कुलेगांव के सबसे बड़े नेता हैं कर्नाटक के HD देवगौड़ा, ये उनके खिलाफ कोई साजिश है या सरकार का आक्रमण है। तो कांग्रेस सरकार ने ये हो जाने दिया, उनके उनकी निर्वाचन क्षेत्र में वोट पड़ जाने दिए और बाकी 14 सीटों पर उन्हें कमजोर करने के लिए रणनीतिक रूप से ये कदम उठाया कि बाकी 14 सीटों के मतदान से पहले, जो मतदान बाद में होना है उस मतदान से पहले इस बात को, ये बात को वो पुलिस में FIR उन्होंने दर्ज कराई और SIT बना दी गई। अब ये स्थिति है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो जनता दल सेकुलर के साथ गठजोड़ बनाए हुए है, जिसको पता था कि उज्जवल रेवन्ना के खिलाफ ये आरोप हैं और ये प्रमाण हैं, इसके बावजूद उन्होंने उज्जवल रेवन्ना को चुनाव लड़ने दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसको पता था कि उज्जवल रेवन्ना के खिलाफ ये प्रमाण है, इसके बावजूद उसने उज्जवल रेवन्ना को चुनाव लड़ने दिया। तीसरी तरफ जनता दल सेकुलर है जिसको मालूम था कि उज्जवल रेवन्ना के खिलाफ ये प्रमाण है, इसके बावजूद चूंकि सीट जीती जा सकती है इसलिए उनको चुनाव लड़ने दिया गया। अब आप अंदाजा लगाइए, देखिए हमें और आपको तो चुनाव लड़ना नहीं है, हमें तो किसी पार्टी का टिकट नहीं मिला है, ना हमने मांगा, आपने भी किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा, ना आपने टिकट मांगा, तो हमें तो निष्पक्ष समीक्षा करनी चाहिए। और निष्पक्ष समीक्षा ये है कि औरतों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म करने वाली और महिलाओं को भोग की वस्तु मानने वाली ये जो घृणित परंपरा है, इस घृणित परंपरा में उज्जवल रेवन्ना के साथ में कर्नाटक की एक सबसे बड़ी पार्टियों में से एक जनता दल सेकुलर और देश की दोनों बड़ी पार्टियों कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, ये तीनों उस हमाम में नंगे खड़े हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं उज्जवल रेवन्ना को इन्होंने ये काम करने दिया, कानून की जद से निकल जाने दिया और सब लोग अपने अपने राजनीतिक लाभ की जुगाड़ में लगे रहे। भाजपा इस चक्कर में लगी रही हमें एक सीट मिल जाएगी, जनता दल सेकुलर के तो जो पितामह है HD देवगौड़ा, उनको तो सबसे ज्यादा प्रिय व्यक्ति अगर पूरे परिवार में कोई है तो वो उज्जवल रेवन्ना है। और कांग्रेस इस चक्कर में थी कि पहली 14 सीटों के ऊपर जो मतदान हुआ है उस मतदान में कहीं वो कुलेगांव के खिलाफ ना देखी जाए, इसलिए उसने ऐसा किया और बाकी सीटों पर वो उसका फायदा उठा ले। इस तरीके से सारा का सारा काम हो रहा है और इसके केंद्र में उन मासूम, बेसहारा, उत्पीड़ित और अपने सम्मान के लिए छटपटाती हुई 2000 से ज्यादा औरतों की किसी को परवाह नहीं है। मीडिया की हालत यह है कि प्रिंट मीडिया में ये खबरें आई हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में केवल ABP चैनल पर संदीप चौधरी के कार्यक्रम को छोड़कर कहीं भी इन खबरों को लाया ही नहीं गया, बाकी सब लोग इनके ऊपर बिल्कुल चुपचाप हैं। महिला आयोग की स्थिति यह है कि जो नेशनल वुमेन कमीशन है वो उसके ऊपर बिल्कुल चुप है। संदेश खाली पे बड़ी वहां पे बाकायदा वो छलते कूदते हुए गया था ताकि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ भाजपा की राजनीतिक गोटी लाल कराई जाए, इस मामले पे कोई वक्तव्य भी उसकी तरफ से नहीं आया। तो ये स्थिति है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में और हमारे देश की राजनीति में महिलाओं, स्त्री विरोधी रवैये कितने ज्यादा प्रबल है। एक बार बहुत पहले मुलायम सिंह यादव अभी दुनिया में नहीं है, पर उन्होंने ये कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं।
इस पूरे घटनाक्रम में तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी से लेकर सिद्धारमैया तक, देवगौड़ा तक, सब लोग ये मानकर चलते हैं कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं और आगे इसका राजनीतिक या विनेबिलिटी जैसे उसके हिसाब से अपनी कुटिया से। यहाँ मामला कुछ और है, यहाँ मामला वो तो है ही जो आप कह रहे हैं, आप गलत नहीं कह रहे हैं। यहाँ मामला ये है कि तीनों ही जो पक्ष है, जनता दल सेकुलर, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, किसी ना किसी रूप में राजनीतिक लाभ को प्राथमिकता दे रहे हैं स्त्री की अस्मिता और सम्मान के ऊपर। और इस मामले में उन्हें किसी भी किस्म की कोई हिचक नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दरअसल ये हो क्या रहा। एक दूसरे मुद्दे की तरफ जाएं तो अमित शाह का बयान, एक वीडियो वायरल हुआ जो कि फेक वीडियो था, पर मैंने भी उस वीडियो को देखा और ऐसा लगता है कि अमित शाह यह कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अभी सत्ता में आएगी तो हम एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देंगे। तो काफी सक्रिय हुआ गृह मंत्रालय, कई लोग गिरफ्तार किया गया, एक वातावरण बनाने की कोशिश की गई कि अभी इस वीडियो को कहीं भेजो मत, ये गलत वीडियो है, जो कि सही भी है उन्होंने किया। लेकिन क्या आपको ये लगता है कि इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी थोड़ी घिर सी गई है, एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है? इसके दो पहलू हैं। एक तो यह है कि जैसे ही नरेंद्र मोदी ने यह नारा दिया कि अब की बार भाजपा 400 पार, वैसे ही भाजपा और हिंदुत्व की राजनीति के कई झंडा बरदारों ने एक एक करके ये कहना शुरू किया। कम से कम इस तरह के 5-6 बयान तो सामने आए ही, और शायद अगर हम ठीक गिनती करें तो उनकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है, कि 400 पार इसलिए हमें चाहिए ताकि हम संविधान में परिवर्तन कर सकें, संविधान को बदल सकें। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसका मजबूती के साथ खंडन भी नहीं किया गया, इसलिए ये बात धीरे धीरे करके जो दलित जातियां हैं, जो अंबेडकर और संविधान का जो रिश्ता है, उस रिश्ते को बहुत ही महत्वपूर्ण मानती हैं, उनको लगा कि ये तो बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें बर्दाश्त नहीं है। फिर कांग्रेस ने भी इसके ऊपर जोर देना शुरू किया, इस मसले के ऊपर, और देखते देखते भारतीय जनता पार्टी इसमें फंस गई। फिर ये फेक वीडियो आया, इस फेक वीडियो जो वीडियो फेक था निश्चित रूप से, और उसको किसी न किसी तरह सोशल मीडिया से हटाना ही था, वो ठीक ही किया उन लोगों ने। इस फेक वीडियो को सुनकर लोगों ने जो पहले बयान दिए गए थे उनके साथ में इसका रिश्ता जोड़ लिया, और इससे भाजपा के खिलाफ और भी ज्यादा राय बनती चली गई। यहाँ तक नरेंद्र मोदी जब ये कहा कि आज तो स्थिति यह है कि बाबा साहब भी आ जाएं तब भी वो संविधान को नहीं बदल सकते, मतलब यहाँ तक इन लोगों ने बात करने की कोशिश की, अपने बचाव की कोशिश की, लेकिन इसमें जितना नुकसान हो सकता था तो उतना नुकसान तो हो ही गया। ये भी हम कह सकते हैं कि फेक वीडियो की जो पूरी परंपरा है वो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के द्वारा जोर शोर से बनाई गई, और आज घूमकर उन्हीं के ऊपर आया, राहुल गांधी का आलू सोना का बयान हो या बहुत सारे मनमोहन सिंह के बयान की भी तरीके से खींच तान कर गलत व्याख्या प्रधानमंत्री करते हैं मुसलमानों वाले बयान को, तो ये कहा जा सकता है कि एक तरीके से ये सबके लिए समस्या है, अब शायद भारतीय जनता पार्टी महसूस करे। नहीं, बिल्कुल ठीक है, आप दूसरों के लिए जो बोते हैं एक दिन वो फसल आपको भी काटनी पड़ती है, वो इस मामले में दिखाई पड़ रहा है। क्या तीसरे दौर में प्रधानमंत्री कुछ नए मुद्दों को उठाते हुए दिख रहे हैं? भाई, भाजपा के एक झंडा बरदार ने ये कहा है कि भाजपा हर चरण में एक नया मुद्दा लेके आएगी। पहले चरण में भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दा था, दूसरे चरण में मंगलसूत्र कांड आया, अब तीसरे चरण में कौन सा नया मुद्दा होगा अभी तक तो सामने नहीं आया है। तीसरा चरण शुरू हो चुका है, 7 मई को तीसरे चरण का मतदान है, 26 तारीख को दूसरे चरण का मतदान था, उसके बाद 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक तीसरे चरण के लिए भाजपा ने कोई अलग मुद्दा चुना है ये सामने निकल के नहीं आया है। देखिए क्या होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी एक ऐसे मुद्दे की खोज में है जो पूरे चुनाव को एक सूत्र में बांध सके। आज वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता ने इस सवाल को लेकर एक आर्टिकल भी लिखा है। उन्होंने ये ताज्जुब व्यक्त किया है कि भारतीय जनता पार्टी एक जमाने में, नरेंद्र मोदी और भाजपा एक जमाने में मुद्दा सेट करते थे और विपक्ष पूरा उनके मुद्दे पर खेलता था, लेकिन इस बार भाजपा कांग्रेस के घोषणा पत्र की ज्यादा चर्चा कर रही है, बजाय इसके कुछ अपनी तरफ से कोई बात कहे, अपनी तरफ से कोई नई बात कहे और पूरे चुनाव को एक सूत्र में बांधने की कोशिश करे। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी विफल नजर आती है। उन्होंने
आश्चर्य व्यक्त किया है, उनके लिए ये रहस्यमय बात है, शेखर गुप्ता के लिए रहस्यमय शब्द का इस्तेमाल किया है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, भाजपा ऐसा क्यों होने दे रही है। ये इसलिए भी थोड़ा आश्चर्यजनक है या फिर एक तरीके से बदली हुई स्थिति को दिखाता है, क्योंकि 3 हफ्ता पहले शेखर गुप्ता ने ही ये एक लेख लिखा था कि प्रधानमंत्री 29 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, 27 ये चुनाव तो बिल्कुल एक तरीके से जीता हुआ है। तो ये बदली हुई स्थिति को भी दिखाता है कि जो भाजपा समर्थक बिल्कुल अब शेखर गुप्ता को भी अपना लेख याद नहीं है, क्योंकि हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं। 3 हफ्ते पहले मीन्स का मतलब ये हुआ कि चुनाव प्रचार की जो औपचारिक शुरुआत है उसके पहले की ये बात है। इसका सीधा मतलब ये है कि बिल्कुल इस वक्त जो चुनाव हो रहा है वो चुनाव अप्रत्याशित है, अनएंटिसिपेटेड है, भाजपा के लिए भी अप्रत्याशित है और हमारे आपके जैसे लोगों के लिए, शेखर गुप्ता ऐसे लोगों के लिए भी ये चुनाव अप्रत्याशित। हम में से किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये चुनाव इस राह पे जाएगा। दिल्ली की राजनीति में एक तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, दूसरी तरफ ऐसा लग नहीं रहा है कि चाहे मनीष सिसोदिया हो या अरविंद केजरीवाल उन्हें राहत मिलेगी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तरोत्तर ही मजबूत होती जा रही है और वो सफलता अपनी दोहरा सकती है फिर से 7 सीटों को? दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत है, लेकिन मैं अभी भी ये मानता हूँ कि कांग्रेस के अंतर्विरोध जो भी हो या अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे से जो भी दिक्कतें पैदा हुई है कांग्रेस, दरअसल ये लवली और जो दीपक बाबरिया जो कि कांग्रेस के इंचार्ज हैं आला कमान की तरफ से, ये उनके बीच के संघर्ष का ये परिणाम है, ये उसकी वजह से हो रहा है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ जो गठजोड़ हुआ उस गठजोड़ को प्रोसेस करने का काम अगर किसी व्यक्ति ने आला कमान के कहने पे किया तो वो नवनियुक्त अध्यक्ष अब अरविंदर सिंह लवली ने किया था। आज लवली जो भी कहें वो तो अलग बात है, लेकिन मुख्य तौर पर उनका विवाद दीपक बाबरिया के साथ में है और कांग्रेस ने जो टिकट बांटे हैं उनके साथ विवाद है, 2 टिकटों के ऊपर विवाद है। जो चांदनी चौक का टिकट है जिसमें जयप्रकाश अग्रवाल को कांग्रेस ने खंडेलवाल भाजपा के उम्मीदवार खंडेलवाल के खिलाफ उम्मीद बनाया, उस पर किसी को दिक्कत नहीं है। वहां तो माना जाता है कि कांग्रेस बहुत करारी टक्कर दे रही है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि चांदनी चौक निर्वाचन क्षेत्र में अग्रवालों की बहुतायत है और खंडेलवाल केवल उंगलियों पर गिनने लायक है वहां। लेकिन बाकी दोनों सीटों पर जो कि भाजपा जो कांग्रेस के हिस्से में आए हैं आम आदमी पार्टी के साथ गठजोड़ के बाद में, बाकी दोनों सीटों के ऊपर जो टिकट दिए गए हैं वो एक पे कन्हैया कुमार को टिकट दिया गया है और एक पे उदित राज को टिकट दिया गया है। उनसे कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व और स्थानीय इकाई उनसे सहमत नहीं है, उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और अरविंदर सिंह लवली भी इस उन टिकट देने से नाराज हैं। ये उसकी वजह से है, जाहिर है इससे कांग्रेस को नुकसान होगा इसकी वजह से, लेकिन मैं मानता हूं कि कांग्रेस की जो चांदनी चौक सीट है वहां पर टक्कर होगी और आम आदमी पार्टी अपनी 4 सीटों के ऊपर भाजपा के साथ जबरदस्त टक्कर लेगी, क्योंकि विपक्ष का वोट बटेगा नहीं इस बार, विपक्ष का वोट एकजुट होकर पड़ेगा। अभी अपने अग्रवाल और खंडेलवाल के बीच में अंतर की बात की, अगर उस बिंदु को थोड़ा स्पष्ट करें तो थोड़ा समझ बनेगी। देखिए चांदनी चौक एक ऐसा इलाका है जहां पर व्यापारी समाज काफी बड़ी संख्या में है और व्यापारी समाज में अग्रवाल समाज जो है वो बहुसंख्यक है उसके अंदर। खंडेलवाल भी व्यापारी समुदाय है, खंडेलवालों की संख्या बहुत कम है। चूंकि भाजपा ने एक खंडेलवाल को टिकट दिया है और कांग्रेस ने एक ऐसे अग्रवाल को टिकट दिया है जयप्रकाश अग्रवाल को, जो पुराने जमाने से कांग्रेस के नेता है, वरिष्ठ नेता है, सांसद भी रह चुके हैं दिल्ली से जयप्रकाश अग्रवाल और कांग्रेस के स्थानीय स्तर पर अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इसलिए अग्रवाल समाज का उनकी तरफ रुझान होना बहुत ही स्वाभाविक है। और वैसे भी दिल्ली की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में जो वैश्य समाज है वो अपनी मतदान प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार कर रहा है। अरविंद केजरीवाल जो है वो वैश्य समाज के बहुत ही महत्वपूर्ण नेता है, वो एकमात्र मुख्यमंत्री, तो वो उनको जेल में डाल रखा है, तो इस दिल्ली का वैश्य समाज इस बात को लेकर बहुत खुश नहीं है, तो वो भी एक बात है जो कि जयप्रकाश अग्रवाल के पक्ष में जाएगी।
एक आखिरी सवाल मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के उम्मीदवार उनके बैठने के संदर्भ में है, कैलाश विजयवर्गीय की एक तस्वीर मैंने देखी जिसमें वो इस तरीके से सामने आ रहे जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया हो। क्या आपको लगता है कि सच में बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को बिठा लिया? ऐसा शायद ये सब जो हो रहा है, जो एक बार गुजरात में हो चुका है, अब ये मध्य प्रदेश में हुआ है, दो सीटें मिल जाएंगी भाजपा को इससे, यह मिल गई हैं, लेकिन इससे भाजपा को जो पूरे देश में जो भाजपा के सामने जो एक संकट खड़ा हुआ था, इस संकट का कोई निपटारा नहीं होता इससे। और जब इस संकट की रोशनी, ये संकट जो है कि एक ऐसी घटना घटित हो रही है जिसका भाजपा ने अंदाज नहीं लगाया था, और भाजपा के पास दो चरण हो चुके हैं, तीसरा चरण तेजी के साथ, तीसरे चरण की तरफ चुनाव तेजी के साथ बढ़ रहा है। 7 दिन रह गए हैं तीसरे चरण में, 6 दिन रह गए हैं, एक तरह से 7वें दिन तो वोट ही पड़ जाएगा, 5 दिन भी कह सकते हैं। जी हाँ, तो भाजपा को पता नहीं है कि इस चरण इस समस्या से कैसे निपटे। वो है मतदाताओं में सुस्ती, वो है भाजपा कार्यकर्ताओं का मुरझाया हुआपन, वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों की भाजपा के चुनावी परिणाम के प्रति विरक्ति। ये एक ऐसी समस्या है जिसका सामना कर पाने में भारतीय जनता पार्टी अभी तक विफल है। आज की बातचीत को हम यहीं पर रोकते हैं, हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति से जुड़े मुद्दों पर प्रोफेसर अभय दुबे से बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए धन्यवाद सर, नमस्कार।